हाँ जी, तो नेक्स्ट आपके साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। तो कॉपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी क्या होती है, मैं आपको समझाऊं। देखिए, ये सोसाइटीज क्या करती हैं, ये उन छोटे फार्मर्स को एक साथ लेकर आती हैं, स्मॉल फार्मर्स जिनके पास छोटे छोटे लैंड्स हैं, एग्रीकल्चर फार्म्स हैं, ठीक है। वो फार्मर्स मैकेनाइज्ड टूल्स को यूज नहीं कर पाते, जो मैकेनाइज्ड टूल्स हैं, ठीक है ना, उनके बेनिफिट्स को अवेल नहीं कर पाते, ठीक है, नई टेक्नोलॉजीज को अवेल नहीं कर पाते। रीजन क्या है, उनके जो लैंड है, एग्रीकल्चरल फार्म्स हैं, वो बहुत छोटे साइज में हैं, तो वहां पर मैकेनिकल टूल्स को यूज करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर कॉपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, ये उन सभी फार्मर्स के जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, ठीक है ना, उनको कलेक्टिवली उन पर फार्मिंग की जाती है, ठीक है ना। यानी सभी फार्मर्स से लैंड को ले लिया जाएगा, ठीक है, विद देयर परमिशन। और ऐसा नहीं कि लेने से मेरा मतलब ये है कि वो उसे खरीद रहे हैं, खरीद नहीं रहे, विद देयर परमिशन दे विल बी यूजिंग दैट लैंड, और कलेक्टिवली एक साथ अब उनसे एक बड़े बड़े फार्म्स बनाए जाएंगे, बड़े एग्रीकल्चर लैंड्स बनाए जाएंगे, जहां पर इजिली मशीन्स को यूज किया जा सकेगा, ठीक है। यानी ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, ह्यूमन कॉस्ट ज्यादा आती है, आपको पता है, ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है महंगी हैं, मशीन्स वगैरह को यूज किया जाए तो इफेक्टिव होगा, हमारी कॉस्ट कम आएगी। तो ये सोसाइटीज क्या करती हैं, मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चरल लैंड्स को जो सब डिवाइडेड हैं, फ्रेगमेंटेड हैं, इधर उधर फैले हुए हैं, सबको इकट्ठे कराया जाता है सभी फार्मर्स को, और कलेक्टिव फार्मिंग की जाती है, ठीक है। तो इसके काफी बेनिफिट्स हैं, कंट्री लाइक इंडिया, हमारे जैसे देशों में ये काफी यूजफुल टेक्निक है, ठीक है। तो इस टाइप की टेक्निक को यूज करती है ये कॉपरेटिव सोसाइटीज। तो आइए समझें क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो सबसे पहले तो मेरे साथ देखिए, ये जो सोसाइटी है, यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड है फार्मिंग। ये सोसाइटी जो बनी है, ये किस लिए बनी है, कॉपरेटिव सोसाइटी फॉर द पर्पस ऑफ फार्मिंग, खेती करने के लिए, किसानों के लिए बनी है, ठीक है। नाउ दीज आर फॉर्म बाय स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं जिनके पास बड़े एग्रीकल्चरल लैंड्स नहीं है, उन सबको मिलाकर, उन सबके साथ मिलकर इस तरह की सोसाइटीज बनाई जाती हैं, ठीक है, वो मेंबर्स बनते हैं ऐसी कॉपरेटिव सोसाइटीज के। और इससे क्या होता है, दे'ल गेट बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड फार्मिंग, ठीक है। तो जो बड़े लेवल पर मैकेनाइज्ड फार्मिंग होती है, या फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ मशीन्स की जाती है, उसका बेनिफिट इन फार्मर्स को मिल पाता है, ठीक है। आइए अब देखें, तो अगली बात समझिए यहां पर, दिस टाइप ऑफ कॉपरेटिव्स आर फॉर्म्ड व्हेन देयर इज अ एक्सेसिव सब डिविजन। ये जनरली कब बनाई जाती है, अगर एक्सेसिव सब डिविजन, यानी सब डिवाइडेड है लैंड्स, ठीक है। सब डिविजन इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ पर, ठीक है, हमारे कल्चर में क्या होता है, फादर की प्रॉपर्टी, फादर के नाम पे जो चीज है वो बच्चे को ट्रांसफर होती है। लेट्स सपोज आप एक फार्मर है, उसके दो बेटे हैं, तो उनको वो प्रॉपर्टी डिवाइड हो गई, अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड था तो वो सब डिवाइड हो गया। लेट्स सपोज ये प्रॉपर्टी है मिस्टर ए के पास, एक फार्मर है मिस्टर ए ए, ठीक है, और उनके दो बेटे हैं बी एंड सी, ठीक है। ये ए के बाद इन दोनों बच्चों में मिली बी को और सी को, ठीक है। अब लेट्स सपोज ईयर आफ्टर ईयर सक्सेशन जब होगा, यानी जब अब बी और सी को मिल चुकी है, उसके बाद बी और सी के भी बच्चे जो होंगे वहां पर, लेट्स सपोज बी के पास, यहां पर बी के पास बच्चों का नाम दे देते हैं डी एन ई, तो अब ये फिर सब डिवाइड हो जाएगी प्रॉपर्टी, ये बी के बाद किसे मिलेगी, डी और ई को मिलेगी, तो डी और ई के लिए लग सपोज ये, तो धीरे धीरे ये सब डिविजन होता जाएगा इस लैंड का, और अल्टीमेटली ये लैंड के एरिया, ये प्रपोर्शन इतने छोटे हो जाएंगे कि यहाँ पर आप मशीन्स को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मैनुअली आपको फार्मिंग करनी होगी, और मैनुअल फार्मिंग कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं आ पाती वो चीजें, ठीक है ना। आइए तो आप मेरी बात समझे, एक्सेसिव सब डिविजन हो रखा है, ठीक है, ये सब डिविजन होता रहेगा जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, या फिर फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड यानी आपका एक फार्म, आपका एक खेत एक एरिया में है, दूसरा दूसरी जगह पे है, और छोटे छोटे पार्ट है ये, ठीक है। तो आप कलेक्टिव फार्मिंग करना चाहें, ठीक है, मैकेनाइज्ड फार्मिंग करना चाहें, वो नहीं कर सकते। तो क्या किया यहां पर हम लोगों ने, हमने छोटे छोटे फार्मर्स को एक साथ लेकर आए, जाकि उन्हें मैकेनाइज्ड फार्मिंग का, मशीन बेस्ड फार्मिंग का बेनिफिट मिल पाए,
ठीक है, तो एक कॉमन गोल क्या हो गया, इनका कॉमन इंटरेस्ट क्या हो गया कि ये सब लोग चाहते हैं कि इनके फार्म्स पर भी, इनके एग्रीकल्चरल लैंड पर भी मशीनों से काम हो सके, ठीक है, उन्हें बेनिफिट्स मिल सके इस चीज का। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, इन टाइप, इस टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हम एक और नाम से जानते हैं, एंड दैट इज नोन एज एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स, ठीक है, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी बोल दो या कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल सोसाइटी बोल दो, ये भी नाम दिया जा सकता है, ठीक है। आइए इसके बाद आते हैं इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स पर, तो मेन ऑब्जेक्टिव्स वही हैं जो इसके बेनिफिट्स हैं, वो हमें अपने मेंबर्स को पहुंचाने हैं, ये इस टाइप की सोसाइटी के, इस टाइप के कोऑपरेटिव के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, पर्पस है उनका। तो देखिए, सबसे पहले टू प्रोवाइड मेंबर्स विद मैकेनाइज्ड फार्मिंग बेनिफिट्स, जो मैकेनाइज्ड फार्मिंग है उसके फायदे अपने मेंबर्स को पहुंचाना इनका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिल पाए, मशीन उनके एग्रीकल्चरल लैंड्स पर यूज हो पाए, उन्हें इसका फायदा मिल पाए, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव सेकंड ऑब्जेक्टिव, सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें इम्प्रूव्ड यानी क्वालिटी वाइज देखा जाए तो उन्हें इम्प्रूव्ड सीड्स मिले, बीज मिल पाए, फर्टिलाइजर्स मिल पाए, इरिगेशन के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए उन्हें, ठीक है, या फिर और अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से मशीन्स वगैरह चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, तो वो मिल पाए, क्योंकि ये छोटे फार्मर हैं, इनके पास ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, बट कलेक्टिव फार्मिंग जब होगी, ठीक है, जब कोऑपरेटिव के अंडर में ये लोग आ जाएंगे, मिलकर काम करेंगे, तो इस तरह की फैसिलिटीज, इस तरह की चीजें इन्हें मिल सकती हैं। देन टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी इन फार्मर्स को देना भी वन ऑफ ऑब्जेक्टिव है इस तरह के कोऑपरेटिव्स का। सोशल किस तरह से देते हैं सिक्योरिटी, ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी किस तरह से देते हैं, आइए समझें एक बार इस बात को। देखिए, सोशल सिक्योरिटी इस तरीके से दी जाती है कि समाज में इन लोगों को ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, इन्हें पोअर क्लास में गिना जाता है, तो जब इस तरह की चीज टेक्नोलॉजी यूज की जाएंगी, इस तरह के कोऑपरेटिव्स आएंगे, तो इनको अल्टीमेटली इनके अपलिफ्टमेंट के लिए वो काम करेंगे, तो इनका जो सोशल स्टेटस है, ठीक है, सोसाइटी में वो इम्प्रूव होगा, वो अच्छा होगा। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी तो बिल्कुल मिलेगी ही मिलेगी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्यों मिलेगी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्योंकि जब आप मैकेनाइज्ड टूल्स यूज करेंगे तो आपके जो अर्निंग्स हैं, फार्मर्स की अर्निंग है, वो भी इंक्रीज होंगी, और इकोनॉमिकली भी वो लोग स्ट्रांग होंगे, इस तरह के उन्हें फैसिलिटीज मिलेंगी। तो ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपके साथ, ठीक है।